देवर्षि, देवी का रूप तो बहुत भयंकर है, किंतु किसी के रूप नहीं, मन को पहचानना चाहिए। मन ही रूप होता है। जय मां काल रात्री। जय मां काल रात्री। अब सुनो देवी दुर्गा के आठवें रूप महागौरी की महिमा। इनका रूप कुंद के पुष्प के समान गोरा है, इसीलिए इनका नाम महागौरी पड़ा। उन्हें शिव जी को पाने के लिए घोर तप किया था। ओम नमः शिवाय। नेत्र खोलिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवी, आपने मुझे पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया है, आपके तप से मैं प्रसन्न हूँ। आइए हम आपको अभी इसी वक्त पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं। क्षमा करें प्रभु, आपने मुझे स्वीकार किया इसके लिए धन्यवाद, किंतु आप मुझे पत्नी रूप में तभी स्वीकार करें जब मेरे पिता वैदिक रीति से विधिवत मेरा कन्यादान कर दे। देवी, आप तो साक्षात धर्म की मूर्ति हैं, आपने जो कहा है वैसा ही होगा। अब आप प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम की ओर प्रस्थान करें। जो आज्ञा प्रभु। ये क्या, मेरे देह का रंग तो इतना परिवर्तित हो गया है कि कदाचित ही कोई मुझे पहचान पाए। देवी, ये आपके कठोर तप का परिणाम है, किंतु आप चिंता मत कीजिए, इसका भी उपचार है। मल का हरण करने वाली गंगा की धार से मेरा क्लेश भी धुल गया है। मैं कुछ अधिक ही गौर वर्ण की हो गई हूँ। हाँ देवी, आपके इस गौर वर्ण के कारण अब से आपको सब महागौरी भी कहेंगे। आपकी इस कृपा के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। कल्याण वस्तु। किंतु देवर्षि, आपने तो पहले बताया था कि जब देवी पार्वती जी की जब तपस्या पूर्ण हुई तब उन्हें आकाशवाणी से ज्ञात हुआ था कि शिवजी से उनका विवाह होगा। फिर अभी आप बता रहे हैं कि शिवजी प्रकट हुए, ये कैसे हो सकता है? हनुमान, ये समय का चक्र चलता ही रहता है। जब कल्प के अंत में प्रलय होती है फिर पुनः सृष्टि उत्पन्न होती है, फिर देवता और देवियां अपने वही कार्य करते हैं जो उन्होंने पिछले कल्प में किए थे, किंतु कल्प के अंतर से उनके कुछ कार्य कुछ कुछ परिवर्तित भी हो जाते हैं। तो देवी पार्वती के इन दो बार तपस्या करने का अर्थ है। मुझे अब समझ में आया। ये भी जाना कि यदि भावना सच्ची हो तो उसे प्रयत्न कर पूरा किया जा सकता है। देवर्षि, अब नौवीं देवी के बारे में शीघ्र बताइए। नारायण नारायण। नौवीं देवी है सिद्धिदात्री। ये सिद्धि प्रदान करने वाली देवी है। त्रिदेवों को भी जब इनसे सिद्धि की प्राप्ति हुई थी तभी वे सृष्टि का सृजन पालन और संहार करने में सक्षम हुए। हे देवी सिद्धिदात्री, आपकी कृपा के बिना सृजन और संहार
दोनों असंभव है, मुझे वो सिद्धि दीजिए जिसके स्मरण मात्र से सृष्टि में तथा जो सहार में भी सहायक हो। हे त्रिदेव, सृष्टि का जन्म, संचालन और संहार आप तीनों के ही अधीन है, अतः हम आपको आपकी इच्छा अनुसार ही सिद्धि प्रदान करते हैं। ये है देवी दुर्गा के नौ रूप, जो परम कल्याणकारी है, शक्ति के भंडार है, भक्तों को सर्व विजय होने का सौभाग्य प्रदान करते हैं। हाँ, असुर संहारिणी दुर्गति नाशिनी है देवी दुर्गा। नारायण नारायण, उत्तम, अति उत्तम हनुमान, तुम्हें तो दुर्गा देवी की पूजा करनी ही चाहिए। तो मैं भी रखूंगा व्रत, कल से मैं भी देवी जी के लिए व्रत रखने का संकल्प लेता हूँ। नारायण नारायण, महाराज केसरी हनुमान को विधिवत व्रत और पूजा कराइए और मुझे प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। अवश्य देव ऋषि, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। कीर्तिमान भव। नारायण नारायण। देवर्षि ने ये क्या करने को कह दिया हनुमान को, किंतु हनुमान की पूजा मैं सफल नहीं होने दूंगी। पूजा से मिली शक्तियाँ दशानंद के लिए संकट का कारण बन सकती हैं। किंतु तुम पूजा रोकोगी कैसे? यदि अंजना पूजा रोकेगी तो सिद्धि पता चल जाएगा। अंजना वास्तविक अंजना नहीं है। वो पूजा मैं संपन्न नहीं होने दूंगी, मैं विघ्न डालूंगी। यदि हनुमान की वो पूजा संपन्न हो गई तो जिन विकारों का दास मैं हनुमान को बनाना चाहती हूँ वो नहीं हो पाएगा। अंजना, तुमने मंदिर से आने में विलंब कर दिया, अभी अभी देवर्षि नारद जी गए हैं। क्या देवर्षि नारद आए थे? मैं तो वंचित रह गई उनके दर्शन से। अच्छा सुनो, नवदेवी की पूजा आरंभ करानी है, हनुमान नवदुर्गा व्रत रखने वाला है। इतने छोटे बालक से व्रत रखवाएंगे? ये तो अनुचित है स्वामी। किंतु माँ, मैं पूरे राज्य की भलाई के लिए ये व्रत रख रहा हूँ और अब मैं छोटा नहीं बड़ा हो गया हूँ। नहीं हनुमान, तुम व्रत नहीं रखोगे। रखने दो ना, संकल्प कर चुका है, कल से इसे व्रत आरंभ करना होगा। ये ठीक कह रहे हैं, व्रत आदि भी संस्कारी है जो बालवस्था से ही शुरू हो जाने चाहिए। रखने दो ना हनुमान को व्रत। किंतु माँ, हनुमान से नहीं सधेगा व्रत। माँ आप चिंता मत करिए, मैं पूर्ण विधि विधान से व्रत और पूजा करूंगा। हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे माँ दुर्गा, आपने अपने नौ रूपों से समस्त समाज का कल्याण किया है, मेरे पुत्र हनुमान का भी कल्याण कीजिए माँ, उसका ध्यान रखिए और मेरे पति को मेरा विच्छोह सहने की शक्ति प्रदान कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण समस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
हमें शीघ्र ही सज्जित होना होगा। हमें पूजा घर में जाना है ना? और पिताश्री तो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। हनुमान, अरे आज तो तुम बहुत ही सुंदर लग रहे हो। अच्छा ये देखो, मैं अपने पुत्र के लिए क्या लाई हूँ। अरे वाह, लड्डू। हाँ, ये माँ ने अपने पुत्र के लिए बनाए हैं। तुम्हें बहुत पसंद है ना? चलो अब शीघ्र ने खाकर बताओ कैसे बने हैं। संकल्प लेता हूँ। महाराज केसरी, हनुमान को विधिवत व्रत और पूजा कराइए। माँ, मैंने नहीं खा सकता, मुझे व्रत रखना है ना? हाँ, किंतु बालकों के लिए सब क्षम्य है, खाकर भी व्रत रख सकते हैं बालक। लो खाओ। अच्छा तो ठीक है, मैं खा ही लेता हूँ। ये क्या कर रहे हो? व्रत है तुम्हारा और तुम्हें क्या हुआ है अंजना? तुम तो स्वयं ही पूजा व्रत आदि रखती हो, फिर क्यों हनुमान का व्रत तोड़ना चाहती हो? नहीं माँ, मैं वो इसे विधिवत व्रत रखने दो और तुम भी शीघ्र मंदिर आ जाओ। पूजा की सारी तैयारियां हो गई हैं, वहीं पूजा के प्रसाद और भोजन की व्यवस्था देखनी पड़ेगी। चलो हनुमान। जी नानी जी। बल, अब क्या करोगी माजी का? तुम्हारा तो ये प्रयास भी असफल हो गया। बल, कोई बात नहीं, और कई अफसर आएंगे पूजा में विघ्न डाल। इसमें अपना छोटा जल मिला देती हूँ। मैंने तो आधा जल छोड़ा था, इसमें से जल कहाँ गया? क्या हुआ, क्या कर रही हो अंजना? कुछ नहीं माँ, मैं तो बस ये यहाँ पे खीर। ओहो, तुम जाओ, मैं देखती हूँ, तुम जाओ। देखने डालने का प्रयास कर रही हूँ पर सफल नहीं हो पा रही। युवराज, मेरे पास कृषि योग्य भूमि नहीं है, मुझे कृषि के लिए भूमि चाहिए। सुनिए, आप चिंता मत करिए, आप अपने गांव जाइए, आपको कृषि योग्य भूमि मिल जाएगी। धन्यवाद युवराज। जी, आपके लिए ये। हनुमान, तुम मुझे
मुझे दान नहीं दे पाओगे। जो तुम दान कर रहे हो उसमें तुम्हारा क्या है? सब तुम्हारे पिता का है। रुक जाइए। आप बताइए आपको क्या चाहिए? यदि आप कहेंगे तो मैं स्वयं को भी दान में दे सकता हूँ। तो स्वयं को दान करो, किंतु स्मरण रहे उसके पश्चात तुम मेरे सेवक बन जाओगे जीवन भर के लिए। ये क्या कह रही है आप माँ जी? पिताश्री, इन्हें जो चाहिए हमें देना ही होगा, अन्यथा पूजा अधूरी रह जाएगी। हनुमान, माँ जी, मैं स्वयं को दान में देने के लिए प्रस्तुत हूँ, आप जो कहेंगी मैं करूँगा। ए हनुमान, ऐसा मत करो। नानी, मुझे इनकी इच्छा पूर्ण करनी ही होगी। माँ जी, आप बताइए मुझे क्या करना है? मुझे वचन देना होगा तुम्हें कि तुम्हें माता पिता का त्याग करना होगा, फिर तुम सुमेरु लौटकर नहीं आ सकोगे। सदैव हमारी सेवा के लिए तत्पर रहना होगा। जी, आप बताइए मुझे क्या करना है? मुझे वचन देना होगा तुम्हें कि तुम्हें माता पिता का त्याग करना होगा, फिर तुम सुमेरु लौटकर नहीं आ सकोगे। सदैव हमारी सेवा के लिए तत्पर रहना होगा। ये क्या कह रही हैं आप माँ जी? ये संपूर्ण राज्य ले लीजिए, किंतु ऐसा ना करें। चलिए देवी, हमें ये दान नहीं दे पाएंगे और हमें इनका दान नहीं चाहिए। चाहिए। मैं आपको वचन देता हूँ और आपकी सारी बातें मानूंगा। नहीं नहीं हनुमान, ऐसा मत करो, भाग जाओ। ये वचन तोड़ दो पुत्र, तोड़ दो ये वचन। माँ, आप ही तो कहती हैं कि वचन दो तो उसे पूर्ण भी करना चाहिए। माँ जी, मैं आपका सेवक हूँ, आप जो कहेंगी मैं वो करूँगा। आप सब सुन ले, आज से हनुमान आपके युवराज नहीं, हमारे सेवक हैं। हनुमान, हमें छोड़कर मत जाओ पुत्र। नहीं पिताश्री, मुझे जाना ही होगा। चलो सेवक। चलिए। नहीं हनुमान, अच्छा। नानी, ये मेरे स्वामी हैं और मुझे इनकी बात माननी होगी। अच्छा।
कर दीजिए। आपका साथ मेरे जीवन में इतना ही था। पिताश्री प्रणाम। पुत्र नानी हनुमान प्रणाम। आप सबको भी मेरा प्रणाम। चलिए माँ जी। छोड़ के मत जाइए युवराज जी। हमें छोड़ के मत जाइए। युवराज मैं आपको अरे ये आप क्या कर रहे हैं? शिव देवी पार्वती, आप दोनों के चरणों में मेरा नमन। तुम्हारी सदा विजय हो हनुमान। हनुमान, ये जो भी कुछ हुआ वो तुम्हारी परीक्षा के लिए था। हनुमान, तुमने अपने व्यवहार से सिद्ध कर दिया है कि तुम नौ दुर्गा के वरदानों के लिए सर्वथा योग्य पात्र हो। हनुमान, मेरे इन नौ दुर्गा अवतार की शक्तियां तुम्हें वरदान के रूप में मिली है, जिनके प्रयोग से तुम संसार का कल्याण कर सकोगे। पुत्र, तुम्हारी सदा जय।
हनुमान, तुम्हें देवियों के वरदान स्वरूप जो ये शक्तियां प्राप्त हुई हैं वो विशेष उद्देश्य के लिए तुम्हें मिली है, जो भविष्य में तुम्हारा मिलन तुम्हारे प्रभु से कराएंगे। हनुमान की माता, तुम्हारा कल्याण हो। लंकेश, मैं आपके आदेश का पालन करने में असमर्थ रही। अब मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। इसी तलवार से मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए दशानन। मैं प्रस्तुत हूँ। मार जाने को! हनुमान को विकारग्रस्त नहीं कर सकी। देवियां भी उसे वरदान दे गई, किंतु मैं कुछ नहीं कर सकी। दे दीजिए मुझे मृत्यु। मुक्ति चाहिए तुम्हें, परंतु इतनी सहजता से मुक्ति नहीं मिलेगी, दंड मिलेगा तुम्हें। और तुम्हारा दंड यह है कि उस वानर बालक हनुमान को तुम ऐसा उलझाओ कि वो बाहरी दुनिया को भूल तुम्हें अर्थात अपनी माँ के संसार में ही उलझा रहे। ऐसा ही होगा लकेश। ध्यान रहे मार्जरिका, इस बार जो मैं काम करने जा रहा हूं उसमें कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा लंकेश। आज्ञा नहीं, चेतावनी है ये। और यदि तुम इस कार्य में असफल हुई तो मृत्यु से भी भयानक दंड दूंगा मैं तुम्हें। आत्मा कांप उठेगी, हाहाकार करेगी कि मुझे मृत्यु दे दो, भिक्षा मांगोगी तुम, परंतु तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी। इस बार कोई विफलता नहीं होगी लंकेश, ये वचन है मेरा। शुक्राचार्य, दैत्य गुरु, कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप? हे ईश्वर, मेरा हनुमान अबोध है, आपके ही शरण में है। मुझे तो बस यही चिंता लगी रहती कि अपनी माँ के बिना वो कैसे जी रहा होगा। अंजना,
प्रणाम महारानी जी। ऐसे कब तक अश्रु बहाती रहोगी? जीवन समय के साथ चलता रहता है। हनुमान भी अपना जीवन जी रहा होगा और तुम तो कितनी भाग्यशाली हो कि तुम्हें हनुमान जैसा असाधारण पुत्र मिला। किंतु महारानी जी, मेरे लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा पुत्र पाकर भी मुझे इतनी नन्ही सी अवस्था में उसे छोड़कर आना पड़ा। अंजना, तुम्हारे मन की पीड़ा मैं समझ सकती हूँ। एक माँ ही तो होती है जो अपने पुत्र को संस्कार देती है, किंतु तुम्हारी ममता, दुलार, स्नेह उसे आज भी संस्कारित कर रहे होंगे। तुमने उसे जो भी सीख दी है वो उसे अपने जीवन में अवश्य अपना रहा होगा। किंतु अभी तो मुझे उसे बहुत कुछ सिखाना था। अभी तो वो अंजना, नियति को स्वीकार करो। यदि तुम इस लोक दुखी रहोगी तो उस लोक में हनुमान पर भी तो तुम्हारे दुख की छाया पड़ेगी। आप सत्य कह रही हैं महारानी जी, किंतु मैं इस मन को कैसे समझाऊं? अपने पुत्र के साथ बिताया हुआ एक एक पल आज भी मेरे नेत्रों के समक्ष जीवंत है। एक माँ ही होती है जो अपने पुत्र का सबसे बड़ा रक्षा कवच होती है। अब न जाने कौन रक्षा कवच बना होगा मेरे पुत्र का। हे ईश्वर, मेरा पुत्र जिसके भी संरक्षण में हो वो उसे अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए ही प्रेरित करे। हनुमान, अच्छाई के मार्ग से सदा के लिए विचलित कर दूंगी अब मैं तुझे। गदा? हाँ, ये गदा मैं तुम्हारे लिए ही तो लाई हूँ। तुम्हें बहुत शोभा देती है ये गदा। माँ, मैं तो मेरे खिलौनों से। मैं चाहती हूँ कि तुम सबसे बलवान योद्धा बनो, और उसके लिए आवश्यक है कि तुम प्रतिदिन युद्ध अभ्यास करो। जितना अधिक अभ्यास करोगे उतने बलवान योद्धा बनोगे। अब तुम्हें बलि से महाबली बनना है कि नहीं? मुझे महाबली बनना है। अब लाइए गदा। ध्यान रहे पुत्र, युद्ध हो या युद्ध का अभ्यास, प्रतिद्वंदी को सदैव शत्रु के रूप में देखो। और अच्छा योद्धा वही होता है जो शत्रु को परास्त कर दे। आप उचित कह रही हैं माँ, मैं ध्यान रखूंगा। अर्थात तुम अपने भाग्य को बदलना चाहते। मैं समाप्त कर दूंगा सब कुछ, पूरी की पूरी सृष्टि ही मिटा दूंगा मैं,
और उसी के साथ मिट जाएगा वो नर रूपी नारायण, ना नर रहेगा ना वानर। सृष्टि का विनाश करके तुम स्वयं को काल के हाथों से बचाना चाहते हो। हाँ दैत्य गुरु, काल रावण का काल नहीं बन सकता और इसके लिए आपको राहु को, केतु को और अन्य ग्रह को अपने अपने स्थान परिवर्तित करने होंगे। लंकेश रावण, तुम्हारे कहने से हम तीनों तो अपनी दशा बदल देंगे, लेकिन दूसरे ग्रहों का क्या करोगे तुम? वे ही ग्रह बना रहे हैं तुम्हारे मृत्यु का योग। हाँ दशानन, वो ग्रह अपने बाढ़ से नहीं हटेंगे। वो ग्रह भी देवताओं द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, इसलिए वो आपकी बात नहीं मानेंगे। मानना पड़ेगा उन्हें। अन्यथा मेरे कोप का भाजन बनेंगे वो, मेरे बल के समक्ष एक क्षण भी नहीं टिक पाएंगे वो। मैं अभी जाकर उन्हें उनके स्थानों से हटाता हूं। अरे लंकेश, जा तो रहे हो किंतु ध्यान रहे, तुम्हारे इस सुरक्षा कवच की रक्षा का भार तुम्हारे स्वयं के कांधों पर है। ऐसे रक्षा कवच प्रतिदिन नहीं बनाए जाते, ये तुम भली भांति जानते हो। उसकी आप चिंता ना करें दैत्य गुरु, बस जो आप तीनों को कहा गया है वो कार्य पूर्ण करें। बलबला बलबल, बलबला बलबल। मर्जारिका, तुम ये क्या कर रही हो? लंकेश रावण इस हनुमान का अंत करना चाहते हैं, अंत। और तुम इसे महाबली बनाने जा रही हो। अतिबल, तुम्हारी इस छोटी सी खोपड़ी में बुद्धि भी छोटी ही है। हनुमान के मस्तिष्क में बल के घमंड का बीज बो रही हूँ मैं। आलस्य, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन छह विकारों से विकृत करना है उसके मस्तिष्क को। बल वाला बल बल। एक बार वो इन विकारों के विकराल चक्रव्यूह में फंस गया तो फंसता ही चला जाएगा। इन पिता और पुत्र दोनों के मस्तिष्क को इन विकारों के विष से भर दूंगी मैं। ये विकार ही इन दोनों के विनाश का मार्ग प्रशस्त करेंगे, तब जाके पूरा होगा वो उद्देश्य जिसके लिए लंकेश ने मुझे भेजा है। पृथ्वी, मैं शुक्र अपनी दिशा बदलकर तुम्हारी ओर आ रहा हूं। केतु, मैं अपने राहु ग्रह से बाहर आ गया हूं, अब तुम भी अपने केतु ग्रह से बाहर आ जाओ, अन्य ग्रहों के मार्ग को रोकेंगे हम। हाँ राहु, तुम मंगल के मार्ग को रोको, मैं बुध के मार्ग को अवरुद्ध करता हूँ। हेलो, ये राहु को आज क्या हो गया? अपनी दिशा से हटकर मेरे मंगल पथ की ओर क्यों आ रहा है? ये केतु मेरे बुध मार्ग की ओर एकाएक क्यों आने लगा? क्या हुआ रुद्रदेव? ये रथ क्यों रोक दिया? देव, ग्रहों की ओर देखिए।
ये ग्रह आज अपने निर्धारित मार्ग से हट क्यों गए? ग्रहों की बदलती स्थिति किसी बड़े अनिष्ट का संकेत दे रही है। युद्ध हो या युद्ध का अभ्यास, प्रतिद्वंद्वी को सदैव शत्रु के रूप में देखो। इतना श्वेत क्यों आने लगा? अभी तो युद्ध अभ्यास आरंभ किया था। तापमान कुछ अधिक हो गया है क्या? क्यों बढ़ गई है? लगता है लंकेश ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। मैं भी अपना कार्य आरंभ कर चुकी हूं। हनुमान के मन में बल का मद आ ही जाएगा एक न एक दिन। अब केसरी के मन को भी दूषित करना है मुझे। अंजना, यकाएक असाधारण रूप से तापमान क्यों बढ़ रहा है? सुमेरु पर पुनः कोई संकट आने वाला है क्या? संकट का तो सुमेरु के साथ जैसे स्थायी संबंध ही हो गया है। कभी असुरों का संकट तो कभी प्राकृतिक संकट। प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी जी। प्रणाम। प्रणाम। ये सब क्या है? उपहार। तुम्हारे लिए, हनुमान की मां के लिए, तुम्हारे लिए। नहीं, ये विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनवाए हैं। तुमने सुमेरु को हनुमान जैसा असाधारण युवराज जो दिया है। क्या हुआ, आभूषण अच्छे नहीं लगे क्या? नहीं, आभूषण तो अच्छे हैं, किंतु। किंतु क्या? मैं बहुत दिनों से तुम्हें उपहार देने की सोच रहा था, क्योंकि तुमने मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दिया है जो सबके संकट मोचन कर लेता है।
सबकी रक्षा करता है। हाँ, मेरे भी तो रक्षा की थी उसने। आपने तो एक राक्षस का संहार किया था, किंतु जब अनेकों राक्षसों ने घेर लिया था तो मेरा हनुमान ही आया था आपका साथ देने। हनुमान ना होता तो न जाने मैं आज कहाँ होती। क्यों ना देता साथ, हमारा पुत्र है, हमारा साथ तो देगा ही ना। उपहार का अधिकारी हनुमान है, मैं नहीं। और फिर हनुमान ने आपको भी तो बचाया था पंचफन से। पंचफन ने तो आपको अपने वश में कर लिया था, हनुमान ने ही आपको मुक्ति दिलाई। और पंचफन के विष से तो आपके प्राणों पर बनाई थी, हनुमान ने आपको बचाया। सोचिए स्वामी, यदि हनुमान ना होता तो क्या होता। मेरी मांग में ये सिंदूर है तो आपके नाम का, किंतु इसकी रक्षा हनुमान ही कर रहा है। मेरे मस्तक पे ये मांग टीका तब तक ही शोभा देगा जब तक मैं सुहागन रहूंगी। आज अगर हनुमान ना होता तो कदाचित मैं अभागिन होती, फिर ये सब आभूषण मेरे लिए व्यर्थ होते। हाँ हाँ, सब हनुमान ने ही किया है, इसके लिए हमें उस पर गर्वित होना चाहिए। किंतु स्वामी, मुझे तो आपकी चिंता हो रही है, हमारे राज्य सुमेरों की चिंता हो रही है। यहाँ तो प्रतिदिन संकट आते ही रहते हैं, भगवान ना करे किसी दिन हनुमान ना हुआ तो। आप तो रक्षा कर नहीं पाएंगे, और यदि किसी असुर ने आपको परास्त कर दिया तो। मायावी शक्तियों के आगे देवताओं के राजा इंद्र भी परास्त हुए हैं। युद्ध में जय पराजय तो होती है, व्यर्थ की बातें लेकर बैठ गई हो तुम। मैं व्यर्थ की बातें नहीं कर रही हूं स्वामी, मैं तो सच्चाई। बस, सेवक हमारी गदा लाओ। महाराज आपकी गदा। महाराज, पुरुष के अहम पर चोट कर भीतर तक आहत हो जाता है। मैंने मत्सर विकार का बीज बो दिया है केसरी तुम्हारे मस्तिष्क में। अब अपने ही पुत्र के प्रति ईर्ष्या के भाव से ग्रसित हो जाओगे तुम। विकार ऐसा रोग है जो मस्तिष्क से होता हुआ आत्मा तक को कलुषित कर देता है। इस रोग की कोई औषधि नहीं होती,
और रोगी स्वयं ही अपना विनाश कर लेता है। विकार तो विनाश के मूल होते हैं द्वारिकाधीश, किंतु इसकी कोई तो औषधि होगी। ये जो षड विकार हैं, ये मन को कलुषित करते हैं और मन के कलुष सहजता से नहीं धुलते। बड़े बड़े योगी, तपस्वी और देवी देवता भी इन विकारों से ग्रसित होकर पतन के मार्ग पर चल पड़ते हैं। रावण ने भी हनुमान को पतित करने के लिए एक अचूक अस्त्र चलाया है। ये विकार या निंद्रियों को कुंठित कर देते हैं और मनोभावों को नष्ट कर देते हैं। हनुमान पुत्र, युद्ध का अभ्यास कक्ष में नहीं करते, रणांगन में जाओ। किंतु माँ, मैं किसके साथ युद्ध अभ्यास करूँगा? मेरे मित्रों में भी कोई ऐसा नहीं है जो गदा युद्ध के बारे में जानता हो। अच्छा ये बताओ, युद्ध के बारे में कौन है ऐसा जानकार जिसे तुम संसार में सर्वश्रेष्ठ मानते? सर्वश्रेष्ठ इंद्रदेव, उनके पास वज्र भी है ना? सत्य कह रहे हो पुत्र, किंतु इंद्रदेव अपना कार्य छोड़कर तुम्हें गदा युद्ध सिखाने तो आ नहीं सकते। सुमेरु में सर्वश्रेष्ठ कौन? पिताश्री। तो फिर जब पिताश्री है तुम्हारे पास, तो किसी और की क्या आवश्यकता गदा अभ्यास कराने के लिए? मैं अभी पिताश्री के पास जाता हूँ। हनुमान, मैंने क्या कहा था, स्मरण है ना? हाँ माँ, मुझे सब स्मरण है। युद्ध या युद्ध का अभ्यास, प्रतिद्वंदी को सदैव शत्रु के रूप में ही देखना चाहिए। अब होगी पुत्र और पिता की स्पर्धा। अब देखना यह है कि पिता की ईर्ष्या पुत्र पर भारी पड़ती है या पुत्र का बल पिता को क्षति पहुंचाता है। जय लंकेश। प्रहार करो। आओ, मेरा प्रहार संभाल नहीं पाओगे। आओ। आओ, पुनः प्रहार करो। पिताश्री, पुत्र हनुमान, तुम यहाँ रणांगन में क्या कर रहे हो? पिताश्री, मुझे भी गदा युद्ध का अभ्यास करना है। हाँ हाँ पुत्र, मैं सिखाऊंगा तुम्हें, आओ। क्या हुआ पुत्र? पिताश्री, मैं आपके साथ अभ्यास नहीं कर सकता। तुम मेरे साथ अभ्यास क्यों नहीं कर सकते? माँ कहती है कि युद्ध हो या युद्ध अभ्यास, प्रतिद्वंदी को सदैव
शत्रु के रूप में ही देखना चाहिए। मैं आपको शत्रु के रूप में नहीं देख सकता। युद्ध के लिए ये नीति आवश्यक है हनुमान। यदि प्रतिद्वंदी पर शत्रु समझकर प्रहार करोगे तभी युद्ध शिक्षा सीख पाओगे, और यदि शत्रु को मित्र समझकर प्रहार करोगे तो युद्ध क्षेत्र में तुम्हारी पराजय निश्चित है। आओ मेरे साथ अभ्यास करो। जी पिताश्री। चलो हनुमान, मैं तुम्हें अब अभ्यास कराऊंगा। आज्ञा पिताश्री। बल बला बल बल। करो प्रहार। क्या हुआ हनुमान, प्रहार क्यों नहीं कर रहे हो? अपनी माँ की बात स्मरण करो और प्रहार करो। युद्ध हो या युद्ध का अभ्यास, प्रतिद्वंदी को सदैव शत्रु के रूप में देखो। हनुमान प्रहार करो। पूरी शक्ति के साथ प्रहार करो। जी पिताश्री। अब संभालिए मेरा वार। और शक्ति के साथ हनुमान। शक्ति और फुर्ती के संगम से ही विजय प्राप्त होती है। जी पिताश्री। बहुत अच्छे हनुमान, और शक्ति से प्रहार करो, और तीव्रता से। बल बला बल बल। आनंद, अति आनंद। आनंद तो बहुत आ रहा है मार्जरी का, किंतु किंतु क्या अति बल? किंतु अधिक आनंद तो तब आएगा जब ये प्रहार सचमुच में पड़ जाएगा। बल बला बल बल। देखते जाओ अति बल, आगे आगे होता है क्या। मरेगा ये केसरी। वज्र की शक्ति है हनुमान की गदा में। पिताश्री। हनुमान या केसरी, कोई तो गया है मृत्यु के मुख में। लगता है पुत्र के हाथों पिता की मृत्यु हो गई। बल बला बल बल। आ, 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 आ।
ये क्या, पुत्र ने ही फिर से बचा लिया अपने पिता को? पिताश्री, पिताश्री, मैंने गदा छोड़ी नहीं थी, माँ के कहे अनुसार मैं गदा अभ्यास कर रहा था, किंतु गदा स्वयं ही छूट गई। ये चाल तो विफल हो गई, कोई बात नहीं, फिर आएगा अवसर, फिर चलेंगे कोई नई चाल। पुत्र हनुमान, तुम्हारे जैसा पुत्र हो तो पिता पर कोई भी संकट नहीं आ सकता, किंतु पुत्र युद्ध हो या अभ्यास, आवेश में आकर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा गदा कैसे पकड़नी चाहिए जिससे कि वो हाथ से न छूटे। पुत्र, पिताश्री, कदाचित मैंने अधिक शक्ति का प्रयोग कर दिया था, इसीलिए ऐसा हुआ। पुत्र, तुम अतुलित बल के स्वामी हो, किंतु कहां, कब और कैसे कितनी शक्ति का प्रयोग करना है ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा ताकि गदा हाथ से न छूटे। आओ पुत्र। जी पिताश्री। सैनिक, गदा लाओ। यहां से सभी ग्रह नक्षत्र दिख रहे हैं, बहुत सुंदर है यह अंतरिक्ष। शीघ्र ही अंतरिक्ष मंडल होगा मेरे अधीन। नव ग्रह, नौ में से तीन ग्रहों की तो दशा पहले ही परिवर्तित कर दी है मैंने। शीघ्र ही ये शेष ग्रहों को भी अपनी दशा परिवर्तित करने के लिए विवश कर दूंगा मैं। मेरी मृत्यु का योग बना रहे थे ना तुम सब मिलकर, मंगल अमंगली कर दूंगा मैं तुझे। बुध, पृथ्वी पर प्रलय लाएगा तू। गुरु, देवों का हितैषी, मेरे गुरु ज्ञान, ज्ञान निस्तेज हो जाएगा मेरी शक्ति के समक्ष। शनि, तुझे अपनी टेढ़ी दृष्टि पर बहुत अभिमान है ना, अब मेरी टेढ़ी दृष्टि से बच। सूर्य, तुझे तो मैं अपना द्वारपाल बनाऊंगा। और चंद्र, औषधियां और जड़ी बूटियों को धरती पर पोषण देने वाले, तू ही अब उनका नाश करेगा। एक तीर से तीन लक्ष्य साधूंगा मैं, ग्रहों को वश में करके अपना मृत्यु योग हटाऊंगा, पृथ्वी पर प्रलय लाकर सब कुछ समाप्त कर दूंगा जिसके साथ।
साथ अंत हो जाएगा उस नर अवतार का, नारायण का। फिर इस पूरी सृष्टि का नियंत्रण होगा मेरे हाथों में। समाप्त कर दूंगा मैं सब कुछ, रह जाऊंगा तो केवल मैं और मेरे लंकावासी। तब इस पुष्पक विमान में ए चंद्रा सावधान हो जा, दाशानन रावण आ रहा है तुझे अपना दास बनाने के लिए। महादेव, रावण का उत्पात सीमाएं लांघ रहा है, यदि अभी उसे रोका नहीं गया तो अनर्थ हो जाएगा। महादेव, रावण के कहने पर शुक्राचार्य भी उसका साथ दे रहे हैं, इसीलिए शुक्र ग्रह ने अपना झुकाव विपरीत दिशा में कर लिया है, जिसके कारण पृथ्वी मुझ सूर्य ग्रह की ओर बढ़ गई है। हाँ प्रभु, पृथ्वी का तापमान अस्वाभाविक रूप से बढ़ता ही जा रहा है, और राहु और केतु भी असुर होने के कारण रावण का साथ दे रहे हैं, वो भी अपनी दिशा बदलकर अन्य ग्रहों के मार्गों में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। हाँ महादेव, मुझ मंगल ग्रह के मार्ग में आ रहा था राहु, यदि यही स्थिति रही प्रभु तो ये सृष्टि असमय ही काल के गाल में समा जाएगी। और केतु मुझ बुध ग्रह के मार्ग में आ रहा था। देवेश्वर, रावण आपका भक्त है, अब आप ही उसकी इस विनाश लीला को रोक सकते हैं। देवाधिदेव, कुछ करिए, रोकिए रावण, वो चंद्र ग्रह की ओर बढ़ चुका है। महादेव, कुछ कहिए, हम सब बड़ी आशा लेकर आपके पास आए हैं। मेरा दिया हुआ वरदान देवताओं और जगत के लिए अभिशाप बन गया। मेरी मृत्यु किसी भी देव, दानव, नाग, किन्नर और आदि के हाथों ना हो सके। और नर एवं वानर वो तो तुच्छ हैं, पर पितामह, उन्हें छोड़ सबसे अन्य अवध्य होने का वरदान चाहिए मुझे। तथास्तु। रावण ने नर एवं वानर दोनों से सुरक्षा पा ली। वो अपने मायावी सुरक्षा कवच के कारण अब वो सबसे अवध्य हो गया। देवों, दिया हुआ श्राप और वरदान कभी वापस नहीं होते, इसलिए मैं विवश हूं। आप सबकी कोई सहायता नहीं कर सकता। ये स्थिति तो निश्चित ही बड़ी विकट हो गई है। यदि प्रलय मच जाती है और रावण अपने पुष्पक विमान के द्वारा अपने परिजनों के साथ सुरक्षित बच जाता है, तब तो उसकी मृत्यु असंभव ही हो जाएगी। हाँ देवेश्वर, केवल आप ही रावण को रोक सकते हैं। देवो, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। जो हो रहा है उसे होने दीजिए।
इस बार तो दोनों बच गए, किंतु दोनों के मस्तिष्क में विकारों के बीज तो बो ही दिए हैं मैंने। और एक दिन ऐसा आएगा ही जब ये विकार ही पिता पुत्र को एक दूसरे का शत्रु बना देंगे। किंतु लंकेश ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है, इसलिए सबसे पहले आवश्यक है हनुमान को भवन में ही रोके रखना। माँ आप? हाँ मैं ये कहने आई थी। हनुमान क्या कर रहे हो? दूध गिर जाएगा। हनुमान रुक जाओ, क्या कर रहे हो? आप कुछ कह रहे थे? हाँ मैं वो कहने आई थी। ओहो देखो मुझे भुला दिया तुम। आप भी भूलने लगी है? ये लो मेरे लिए कठिनाई और बढ़ गई है। आप भी भूलने लगी हैं और माँ भी भूल जाती है। नटखट हो गया है बहुत हनुमान। देखिए ना माँ क्या भूलती हूँ मैं। हाँ चलिए माँ मैं आपको बताता हूँ। पहले दूध तो पी लो। जी नानी हो गया। अब चलिए माँ। अरे पर बताओ तो बात क्या है? माँ पहले बैठिए। अब बताओ क्या भूली हूँ मैं? इन दिनों हनुमान को निंद्रा नहीं आती है क्योंकि हनुमान की माँ उसे लोरी सुनाना भूल जाती है। आप मुझे लोरी सुनाइए ना माँ। इन दिनों में हनुमान को निद्रा नहीं आती है क्योंकि हनुमान की माँ उसे लोरी सुनाना भूल जाती है। आप मुझे लोरी सुनाइए ना माँ। सुनाइए ना वही लोरी जो आप सदैव गाती हैं, फिर मुझे अच्छी निद्रा आ जाएगी। हनुमान को निद्रा इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वातावरण का ताप बहुत बढ़ गया है। रुको मैं अभी व्यवस्था करती हूँ। रुक जाइए माँ। वायु की व्यवस्था करनी है? मैं अभी कर देता हूँ। ए चंद्रदेव, राहु, केतु और शुक्र ने तो पहले ही अपनी अपनी दिशा और दशा मेरे कहने पर बदल दी है। अब आपकी बारी है। अ
अब आपको भी मेरी बात माननी पड़ेगी, अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी, अन्यथा मुझे बलपूर्वक भी मेरी बात मनवानी आती है। लंकेश, त्रिदेवों ने जो कार्य हम नवग्रहों को सौंपे हैं, हम उनका त्याग नहीं कर सकते। त्याग तो करना पड़ेगा। अपना स्थान तो छोड़ना पड़ेगा। चंद्रदेव सावधान। लंकेश, संभालो मेरा हिमास्त्र। देखा चंद्रदेव, मेरा अग्नहस्त्र। माँ, मैंने वायु की व्यवस्था कर दी है, अब आप मुझे लोरी सुनाइए। ये कहाँ फंस गई मैं, कभी गाई हो तो सुनाओ लोरी। अब तो फंसी मर जाड़ी का भांडा फूटने वाला है। चलती बल, तू तो निकल, बल बला बल बल। आज तो आपको लोरी सुनानी ही पड़ेगी, सुनाइए ना। सो जाओ, हो गई रात अधियारी। निद्रा देवी आओ और मेरे पुत्र को सुलाओ। माँ, ये आप कौन सी लोरी गा रही हैं? क्या हो गया है आपको? माँ, आप बदल गई हैं क्या? लगता है फंस गई मैं, कि अति बल भी भाग गया। यदि हनुमान को थोड़ा भी संदेह हो गया तो सुना है बड़े बड़े बलशाली राक्षसों का वध किया है इसने, मेरा क्या होगा? बदल गई है आप। मैं सब समझ गया।
अब तो लगता है अंत समय आ गया है। उस रावण के हाथों अंत होने से तो अच्छा है इस वानर बालक के हाथों ही मारी जाऊं। मुझसे कुछ भी नहीं छुप सकता। चंद्रदेव, आप भूल रहे हैं, रावण है हम, देवों के राजा इंद्रदेव भी मेरी शक्ति के सामने थर थर कांपते हैं। और आप दशानन रावण का सामना करने चले हैं, आपके सारे प्रहार विफल है मेरे समक्ष। अब ये प्रहार संभालिए लंकेश। ये कंकड़ पत्थर फेंक कर पर्वत को विचलित करना व्यर्थ है चंद्रदेव। अब आप कहीं फेंके ये उल्का पिंड, धरती पर विनाश लीला मचाएंगे। पृथ्वी के कल्याण करने वाले चंद्रदेव, अब आपके ही कारण पृथ्वी पर हाहाकार मचेगा। यदि अब भी आप अपने हठ पर अड़े रहे तो मुझे शिव जी के चंद्रहास से आपको वश में करना पड़ेगा। शिव जी मेरे इष्ट देव हैं, उनके चंद्रहास का अपमान शिव के अपमान के समान है, इसलिए रावण मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। मुझे ज्ञात हो गया है कि आपने दूसरी लोरी क्यों गाई। क्या क्या समझ गए तुम हनुमान? माँ, मैं समझ गया माँ कि आप क्लांत हो गई है ना। हाँ हाँ, वो मेरे सिर में ना बहुत पीड़ा हो रही है। अच्छा, आइए माँ मेरी गोद में लेटिए, सारे कष्टों के निवारण की औषधि है मेरे पास। मेरे कोमल कोमल हाथों से आपकी सारी पीड़ा दूर हो जाएगी और मैं आपको वही लोरी सुनाऊंगा जो आप मुझे सदैव सुनाती हैं। आपको सुख की नींद आ जाएगी। आइए आइए ना माँ, आइए माँ। बड़ी ही विचित्र लीला है प्रभु की। जो राक्षसी हनुमान का अहित करने आई, हनुमान ने उसी को ही माँ की भांति स्नेह के साथ लोरी सुनाई। और क्या भाग्य पाया है उस राक्षसी ने कि रुद्र के अंश हनुमान की गोद में एक शिशु के भांति सोने का अवसर प्राप्त हुआ उसे। स्नेह और प्रेम से तो हिंसक पशु भी वश में हो जाते हैं, और यदि स्नेह सच्चा हो तो विकृत मानसिकता वाली राक्षसी भी एक शिशु की भांति निर्मल बन जाती है। और हनुमान का स्नेह तो अमृत की भांति शुद्ध है, सच्चा है। जिस पर भी इस अमृत की वर्षा हो गई वो तो सुख की नींद सोएगा ही।
बहुत भाग्यवान हूं जो मुझे तुम्हारे जैसा अद्वितीय पुत्र मिला। और तुम्हारे जैसी निष्ठावान पत्नी। विचलित हो इसलिए अस्वाभाविक व्यवहार कर रही हो, किंतु चिंता मत करो, शीघ्र ही सब सामान्य हो जाएगा। वो कीजिए और हट जाइए मेरे मार्ग से। यदि मैं अपने मार्ग से हट जाऊंगा तो धरती पर समुद्र और समस्त जल तत्व अनियंत्रित हो जाएंगे, इसलिए ऐसा करना अनुचित होगा। लंकेश, प्रलय मच जाएगा। यही तो मैं चाहता हूँ चंद्रदेव। अब आप मेरे नियंत्रण में हैं। वही करेंगे जो मैं चाहता हूँ। हट जाइए अपने मार्ग से। केतु, शुक्र और अब चंद्र ग्रह, ये चारों ग्रह अब मेरे वश में है और इनके प्रभाव से पृथ्वी पर हलचल होनी भी आरंभ हो चुकी है। किंतु उस मायावी वानर बालक का अभी तक कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। बड़ा सुना था कि वो इस जगत की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर रहता है। इसका केवल एक ही अर्थ है कि मार्जरिका ने उसे उलझा रखा है। ब्रह्मम प्रसन्नम, प्रसन्न हुए हम। अब अन्य 5 ग्रहों को मुझे अपने वश में करना है। का जल तो बढ़ रहा है। अरे मित्रों इधर आओ, वो देखो वहां क्या हो रहा है। मित्रों ये देखो, नदी का जल एकाएक बढ़ रहा है। हाँ हाँ सत्य कह रहे हो, ये एकाएक क्या हो रहा है। न
मित्रों ऊपर देखो, आकाश से अग्निपिंड नीचे गिर रहे हैं। नहीं मित्र, लगता है आकाश से अग्नि बरस रही है। लड्डू तुम्हें लड्डू अच्छे लगते हैं ना? किंतु आजकल अंजना को क्या हो गया, लड्डू बनाती ही नहीं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपने हाथों से अपने हनुमान के लिए लड्डू बनाऊं। आप बहुत अच्छी हैं नानी। ये कैसा कोलाहल है? हनुमान वहां क्या देख रहे हो, आओ लड्डू ले लो। लड्डू जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको बाद में खाऊंगा, वहां सब संकट में है ना। ये हनुमान फिर से चला गया संकट हरने, कहीं ये लंकेश के कार्य में विघ्न डाल दे। मुझे शीघ्र ही इसे रोकने का कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा। अभी उल्का पिंड को रोकने चला गया, कहीं ये संकट में ना आ जाए। अरे आप मेरे हनुमान के लिए भयभीत हो रहे हैं, जरा देखिए उसे कैसे रक्षा कर रहा है सुमेरु की। आप तो निष्कंटक होकर राज्य संभालिए, मेरा हनुमान है ना सुमेरु का रक्षक, मेरा आपका। क्या हुआ स्वामी, क्या मैंने सत्य नहीं कहा? संभालिए अग्निपिंड से कोई घायल ना हो।
हनुमान पुत्र संभालो। ये क्या, एक और बड़ा उल्का पिंड आ रहा है। ये तो महल की ओर जा रहा है। पुत्र हनुमान संभालो। राजभवन की ओर, नानी और माँ है वहां। हो जाता तो मैं भी मान के रहते, हनुमान की माँ को कुछ नहीं हो सकता। माता के मोह का विकार बहुत प्रेम करता है ये माँ से। रावण के कार्य में बाधा डालने से रोकने के लिए इसी मात्र प्रेम के विकार में उलझाऊंगी मैं से। बुधदेव, यदि अपनी भलाई चाहते हो तो चंद्रदेव की भांति आप भी मेरी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। मुझे भयभीत करने का प्रयास मत कीजिए रावण, लंका लौट जाइए। लंका लौट जाए दशानन रावण, हम तो स्वयं तुम्हें लंका लेकर जाएंगे। सावधान। मूर्खता ना करो बुधदेव, आप मेरा सामना नहीं कर पाएंगे। ये तो कुछ ही समय में ज्ञात हो जाएगा लंकेश रावण। अब जो मैं कहता हूं वो कीजिए। प्रतीत होता है ये बहुत ही प्राचीन गुफा है। किंतु माँ, हम यहाँ क्यों आए हैं? पुत्र, ये सिद्ध प्राचीन गुफा है। यहाँ पर जिसने भी अपनी सिद्धि या साधना के लिए ध्यान लगाया है उसे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तुम्हें भी अपनी शक्तियों में वृद्धि लाने के लिए यहाँ ध्यान लगाना है। किंतु माँ, मुझे तो पहले से ही अनेकों शक्तियां प्राप्त हैं। हाँ पुत्र, अभी जो तुमने पराक्रम किया उससे आसुरी शक्तियां और भी विचलित हो उठी हैं।
वे महामायावी राक्षसी शक्तियों और प्रबलता से आक्रमण कर सकते हैं। माँ आप उसके लिए चिंता मत करिए, मैं किसी भी मायावी शक्ति के आक्रमण का उत्तर दे सकता हूँ। पुत्र, जिस प्रकार बादल जल के भंडार होते हैं किंतु बरस नहीं पाते, वायु उन्हें कहीं और उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर भी शक्तियों का भंडार है, किंतु उन शक्तियों का कहां और कितना प्रयोग करना है इसका ज्ञान तुम्हें ध्यान से ही हो पाएगा। जब मन एकाग्र होकर शक्ति का संचय करता है तभी उन शक्तियों का उचित प्रयोग हो पाएगा। किंतु माँ, मैं ध्यान तो भवन में भी। पुत्र, मैं तुम्हारे हित के लिए ही तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। लगता है तुम अपनी माँ की आज्ञा का पालन करना भूलते जा रहे हो। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? और नहीं तो क्या, अब तो तुम वही करोगे जो तुम्हारी इच्छा होगी, तो फिर मैं सुमेरों में रहकर क्या करूं? मैं अभी चली जाती हूँ। रुक जाइए माँ। माँ, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। ध्यान लगाना है ना, तो ठीक है। फंसाई मोह में मात्र प्रेम का विकार, इसी मोह के विकार का लाभ उठाने का अवसर आ गया है। पुत्र, मेरे कहने पर ध्यान कर रहे हो तो स्मरण रहे, जब तक मैं ना पुकारूं तुम अपना ध्यान मत तोड़ना। वचन दो मुझे, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करोगे। माँ, मैं आपको वचन देता हूँ, जब तक आप मुझे पुकारेंगी नहीं तब तक मैं अपने ध्यान से नहीं उठूंगा। और पुत्र, हो सकता है कि आसुरी शक्तियां तुम्हारा मन भटकाने का प्रयास करें, किंतु तुम्हारा ध्यान नहीं टूटना चाहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।